हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टिचिंग में। आज मैं आपको कुर्ते में आगे के गले पर बहुत ही सुंदर और सिंपल डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, मैंने कुर्ती पहले से कट कर रखी है, जिसका तीरा मैंने रखा है 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच रखा है। और चेस्ट जो मेरे को तैयारी रखनी है वो है 33 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 8.25 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये गला मैं बिना बुकरम के गले का बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से मैं गले की जो तीरे वाली साइड से चौड़ाई है वो रखूंगी 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है यानी गहराई वो रखूंगी 7 इंच, क्योंकि आगे का गला है, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी। और यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको इस प्रकार से मिलाऊंगी और गोलाई में शेप दे दूंगी। ये देखिए गला, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसको इस प्रकार से कट कर दूंगी। ये देखिए, और कट करने के बाद जो ये कटा हुआ गला है इसको मैं सुरक्षित रखूंगी और सूट के मैचिंग का कपड़ा लूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास सूट के मैचिंग का कपड़ा है और इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रखूंगी, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, और यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इस प्रकार से निशान लगा लूंगी। और अब यहां से 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। जो ये मैंने निशान लगाया है यहां से नापते हुए 1.5 इंच पे, ये देखिए, इस प्रकार से। और जो ये निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर से हम दोनों साइड से कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है और गले की पट्टी को सीधा कर लिया है। अब दूसरे कलर का कपड़ा लूंगी, ये वाला, और जो ये वाली साइड है, बाहर वाली साइड, इस पर धागे की मदद से पाइपिंग निकाल लूंगी इस प्रकार से। ये देखिए, धागे को अंदर डालते हुए और यहाँ से सिलाई लगाते हुए पाइपिंग निकाल लूंगी। ये देखिए, मैंने पाइपिंग निकाल ली है और सिर्फ पाइपिंग में सिर्फ ये सिलाई लगाई है मैंने और अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब मैं कुर्ती वाला कपड़ा लूंगी, जो कुर्ती का कटा हुआ गला है उसको लूंगी, और इसके ऊपर जो ये मैंने तैयार की है पट्टी, इसको इस प्रकार से रखूंगी। पहले आगे की साइड से मिलाएंगे इसको इस प्रकार से, इस पे सिलाई बाद में लगाएंगे साइड वाले पे। और यहाँ रखते हुए यहाँ पे भी मैं गोल्डन कलर की पाइपिंग निकालूंगी। ये पाइपिंग कुर्ती वाले कपड़े को और इस पट्टी वाले कपड़े को साथ में मिलाते हुए, दोनों कपड़ों को मिलाते हुए निकालेंगे। और पाइपिंग में इस साइड भी धागे वाले ही निकालूंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें करना क्या है, जो ये अंदर की साइड सिलाई लगाई है इसको इसी प्रकार से एक बार रहने देंगे, पहले इसकी सिलाई नहीं करेंगे। और पहले जो ये बाहर वाली साइड है, इस साइड से हम यहाँ से किनारी की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को अंदर फोल्ड करते हुए। ये देखिए, इस प्रकार से, और यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे बाहर वाली जो पाइपिंग है इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको, जो ये गले वाली पाइपिंग है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड पाइपिंग निकाल ली है और ये गला बन के तैयार है। यहाँ पे अगर प्लेन सूट बना रहे हैं तो मोती वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी बाजार से लाके बटन वगैरह लगा सकते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ये प्रिंटेड कपड़ा है इसलिए मैं इस पे मोती वगैरह नहीं लगाऊंगी।
डिजाइन बन के तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।